नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे पास एक सोनी का टीवी आया है, KD 49X8200E। इसमें मुझे नो पिक्चर, मतलब कि पूरा स्क्रीन में लाइंस आ रहे हैं, पिक्चर नहीं है। ठीक है, अभी किसी ने इसमें टेपिंग मेथड किया हुआ है, एक साइड से टेपिंग करके दिया था एक साल पहले कस्टमर का कहना है। उसके बाद मैंने दूसरे साइड से ट्राई किया, एक साइड से चल रहा था और साइड से भी अभी नहीं हो रहा। फिर मैंने बहुत चेक किया तो मुझे एक फॉल्ट मिला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ फॉल्ट क्या फॉल्ट है। आइए देखते हैं क्या है। ये 4K पैनल है, 49 इंच का LG इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है। ये मॉडल नंबर देखें, देखो KD49X8200E। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसका डिस्प्ले का जो साइड का इधर का रहता है मैंने खोल लिया है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसके लिए। ये देखिए इसमें ये टिकॉन लगा हुआ है, टिकॉन दिखा पहले। अच्छा जी, ये देखिए ये 4K टिकॉन है LG का, और इसमें जो लगा हुआ है देखिए 6+6 का इसमें क्लॉक लगा हुआ है, जैसे इसका LG ड्राइवर साउंड सिस्टम LG इसका मन गया। ठीक है, अभी इसमें हम देखते हैं पहले फॉल्ट क्या है। फ्रेंड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है। ये देखिए अभी मैंने इसमें पेपर पहले किसने लगाया था मैंने सब रिमूव किया है। आपको पूरा फुल फॉल्ट बता रहा हूँ कैसे क्या है। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर इधर इधर, अच्छा ऊपर से दिखाओ, ऊपर देख लीजिए। इधर भी पेपर नहीं है, सीधे जो टेक्निक में कुछ भी नहीं किया है। इधर दिखाओ साइड में, कोई इधर कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं है। इस साइड में दिखाओ, इस साइड में भी कोई कटिंग नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग इसको लगाते हैं। हम लोगों ने लगा दिया, अभी इसमें एडाप्टर लगाते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें मैं एडाप्टर लगाने जा रहा हूँ, मैंने इसमें लाइन दिया वो भी। अभी देखते हैं पिक्चर का क्या कंडीशन है, कैसा पिक्चर आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में लाइन है पूरे, और धीरे धीरे पूरे में हो जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए लाइंस बढ़ रहे हैं, तो पूरे में लाइंस आ जाएंगे। ठीक है, आइए पहले इसको देख के वोल्टेज देखते हैं, मेजर करते हैं वोल्टेज क्या है इसका। ठीक है, वोल्टेज देखो, मीटर को दिखा, मीटर को दिखा पूरा। ग्राउंड कर दिया, देखो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, देखो इधर पूरा क्लियर दिखाओ, क्लियर आने से। ये देखिए VGL -7.03, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, एकदम प्रॉपर है। आइए VGL देखते हैं, ये देखिए VGL 28.24 वोल्ट डीसी, कोई फ्लक्चुएशन इसमें भी नहीं है। देखिए VDD देखते हैं, देखिए 15.80 वोल्ट, इसमें भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। फिर आखिर इसमें प्रॉब्लम है तो है क्या इसमें। आइए ऑड इवन का सिग्नल देखते हैं, आइए लेफ्ट
राइट में चले देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और इवन एक एक सेकंड के लिए वीजीएल आना चाहिए, फिर दूसरे सेकंड वीजीएल आना चाहिए, वीजीएच वीजीएल वीजीएच वीजीएल ऐसा ही आना चाहिए। एक साइड में और इवन, फिर उसके बाजू वाले में इवन ऑल, ऐसा सिग्नल होना चाहिए। लेकिन वीजीएच देखिए इसमें बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। एलजी पैनल में अक्सर क्या होता है ना, बहुत से टेक्नीशियन को लगता है सीकेवी इसमें शॉर्ट है, तो सीकेवी शॉर्ट भी होता है। और कभी कभी क्या होता है ना, इसमें ज़्यादातर वीजीएच वीजीएल ही शॉर्ट होता है, जो इसमें 11 चिप पर लगा रहता है ना, वही ज़्यादातर शॉर्ट होता है। अभी देखिए इसमें, और दूसरे वाले में चेक करवाता हूँ आपको, देखिए दूसरे साइड में भी सेम प्रॉब्लम है। देखिए बहुत वोल्टेज, वीजीएच बहुत कम बन रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस साइड भी देखते हैं, इस साइड भी देखिए बहुत कम आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में देखिए बहुत कम आ रहे हैं, दूसरे पोल में देखें ये देखिए बहुत कम आ रहे हैं, इतना होना ही नहीं चाहिए, इससे पता लगता है। और हम लोग दोनों एफएफटी केबल लगाया है, ठीक है, इसमें कोई पेपर भी नहीं लगा है, आप लोगों को सामने पूरा लाइव बता रहे, कुछ भी पेपर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं, वोल्टेज सब बन रहे हैं, लेकिन पूरे में लाइन्स आ रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रहे हैं। अभी आखिर ये प्रॉब्लम है तो है क्या, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वीजीएल वीजीएल का प्रॉब्लम है, ये लेवल सेक्शन जो होता है ना, ऑड इवन, ऑड इवन सेक्शन जो है, उसका प्रॉब्लम है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एलजी के बहुत सारे सेट में इससे ये टेक्निक अपनाएंगे ना, तो आपका 95% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं इसमें पेपर डाल के भी आपको बताता हूँ, पेपर डालने के बाद क्या सिचुएशन आ रहा है, कैसा आ रहा है। खाली पेपर डाल के पहले मैं बंद कर रहा हूँ, अब इसमें हम लोग पेपर पैकिंग देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अभी पैकिंग मारने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पहले राइट साइड में करता हूँ, मैंने राइट साइड किया। अभी देखते हैं इसमें सप्लाई पिक्चर आया कि नहीं, लाइन देता हूँ, एडाप्टर लगा ही हुआ है, मैं लाइन में ले जा रहा हूँ। देखिए भाई अभी भी नहीं है, अभी भी ये पट्टा मार रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे ऐसे आर्किंग लाइन्स भी है और खड़े में भी पट्टा आ रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आ रहे, देखिए इधर से भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अभी हम लोग साइड चेंज करते हैं, चलिए इसमें भी करके वोल्टेज देखते हैं। अभी देखते हैं और इवन हमारा सही हुआ क्या है, देखिए लाइन लिया है, देखिए नहीं अभी भी सेम कंडीशन है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देखिए वीजीएल के जगह पे 10 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ 28 आना चाहिए, 10 आ रहा है। वीजीएल वहाँ एक वोल्ट का अप डाउन चल रहा है, लेकिन वीजीएल के जगह पे बहुत कम आ रहा है, देखिए 10.42 आ रहा है, मतलब बहुत गड़बड़ है। चलिए वापस अब चेंज करते हैं, अभी लेफ्ट साइड में, अगर मैंने राइट साइड में किया, अभी यही मेथड लेफ्ट साइड में अप्लाई करते हैं, रिमूव करते हैं इधर से। राइट साइड, लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स, मैंने लेफ्ट साइड में लगा दिया, अभी मैं ऑन करता हूँ इसको, फिर देखते हैं क्या पोजिशन है। ये देखिए
लिख के आया लेकिन फिर भी ये पट्टा मार रहा है। देखिए डबल इमेज में भी ये पट्टा मार रहा है, अभी भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ठीक है आइए वोल्टेज देखते हैं, अभी क्या बोलते हैं, कुछ आया क्या नहीं वोल्टेज। देखिए और डिजाइन में सेट करते हैं। देखिए अभी VGH बराबर आए 28 आ गया और VGL अभी थोड़ा फ्लक्चुएशन कर ही रहा है और VGH भी थोड़ा कर रहा है, एकदम थोड़ा भी है फ्लक्चुएशन और भी देखेगा। ठीक है अभी क्लियर से फ्लक्चुएशन है इसमें, देखिए VGL -7.03, थोड़ा भी फ्लक्चुएशन नहीं है जो मेन VGL है। ठीक है VGS को चेक करते हैं, देखिए 28.21, थोड़ा भी फ्लक्चुएशन नहीं है। ABDD भी 15.83, इसमें भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, प्रॉपर है देखिए। ठीक है अभी हम लोग ने दोनों साइड में हम लोग ने पैकिंग डाल के देखा, फिर भी ये लेफ्ट साइड में डाला तो थोड़ा इसमें जान आया, VGS बनना चालू हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हमारा इस साइड से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ठीक है इस साइड से हम लोग ने पैकिंग किया तो आया VGL लेवल से काम किया, अभी हम लोग इसमें अपना मेथड अप्लाई करते हैं। ये देखिए ये DC टू DC सेक्शन है, इसमें लेवल सेक्शन भी है। ठीक है ये जो IC है ना ये DC टू DC, इसमें लेवल सेक्टर IC भी है। ठीक है अभी इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको DC टू DC लेवल सेक्टर जो दिख रहा है इसमें नीचे साइड से, हम जैसे जैसे हम लोग बैठे हैं इस साइड से, लेफ्ट साइड से थर्ड और फोर्थ पिन जो है ना ये ऑड इवन का और इवन ऑड का पिन है। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए मीटर पे देखिए, देखिए ये ऑड इवन चल रहा है। ठीक है और एक इवन वाले देखिए देखा, फ्लक्चुएशन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑफ किया मैंने अभी, ये जो लेवल इधर DC ऐसी है इसका जो ऑड इवन सिग्नल है ये इधर से हम लोग कट मारेंगे, स्लाइसेस करके हम लोग ये दोनों सिग्नल को कट करेंगे। ठीक है जैसे हम लोग इसको कट करेंगे ना तो इसमें जाएगा वो ऑड इवन सिग्नल ना इसमें जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा क्योंकि ये मेन आईसी से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, स्लाइसेस कर रहे हैं और कट मार रहे हैं। अभी इधर दो डॉट बन गया है, दो डॉट है होल है उसके थ्रू इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, एक ही सिग्नल दोनों तरफ घूमता है। ठीक है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले इसको पहले हम लोग लेवल से सर अलग से इसको बनाएंगे, तो हम लोग इसको कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग इसको पहले कट करते हैं, कट करने के बाद इस पॉइंट पे यहाँ और इस पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, बीजे बीजे नहीं आना चाहिए, पहले हम लोग पहले कट मारते हैं फिर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये दो ट्रैक को कट कर दिया, दोनों अलग हो गए, ये दो डॉट इधर बन गए हैं, जो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा और जो आईसी से आएगा वो इधर ही तक ब्रेक हो गया, हमने ये ब्रेक किया इसको। ठीक है फ्रेंड्स इधर ब्रेक करने के बाद अभी हम लोग को चेक करना है इधर ऑड इवन सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर देखो ये देखिए इधर ऑड इवन नहीं आ रहा है, सिर्फ बिजनेस बता रहा है, जब कोई सिग्नल नहीं रहता है ना तो ऑड इवन जो पॉइंट रहता है ना उसे बिजनेस का वोल्टेज आता है। ठीक है दूसरे पॉइंट से भी चेक करते हैं, देखिए इससे भी बिजनेस ही बताएगा, इस साइड में चेक करते हैं वो भी बिजनेस बता रहा है, दूसरे पॉइंट से चेक करते हैं देखिए वो भी बिजनेस बता रहा है। ठीक है अभी
अभी हम लोग को लेवल शिफ्टर बनाना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो लेवल शिफ्टर है इसमें क्या आता है, विजीएच आता है और वीजीएल आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वीजीएच का जम्पर उठाएंगे, जो डॉट वाला पॉइंट है जो इस तरफ और इस तरफ पॉइंट आ रहा है उस तरफ देंगे, आईसी वाले को नहीं देंगे, कट के नीचे साइड नहीं देंगे, आईसी की तरफ नहीं देना। एक जम्पर उठाना है वीजीएच से, वीजीएच को एक जम्पर देना है डॉट से, और एक वीडियो से जंपर उठाना है दूसरे डॉट पे। देखते हैं क्या कंडीशन होता है, जंपर देखते हैं। देखिए मैंने दो टेस्ट पॉइंट मैंने बना लिए हैं जंपर देने के लिए, एक हम लोग वीजीएल पे डालते हैं, एक निकाले वीजीएल से और दूसरा हम लोग देते हैं वीजीएल से। अभी वीजीएच का पॉइंट हम लोग पहला पॉइंट से देते हैं, हम लोग ने वीजीएच का जंपर उठा के दिया पहला पॉइंट पे, दिया 3 नंबर पॉइंट पे, लेफ्ट साइड से आईसी के लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पिन पे, जहाँ होल है, होल वाला है, कट करने के बाद जो होल है ना, होल का पहला पॉइंट पे दिया हमने। अभी वीजीएल हम लोग उठाते हैं, वीजीएल को सेकंड वाले पॉइंट पे देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसको दे दिया, एक तरफ विजुअल विजुअल दे दिया, दूसरा को विजुअल दिया। अभी हम लोग सेट को ऑन करके देखते हैं अभी क्या करेंगे। मैंने लाइन दिया, चालू किया, अभी भी वैसे ही डबल ही में जा रहे हैं, फटा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, अभी हमने पहला वाले पॉइंट पे वीजीएच दिया था और दूसरे वाले पे वीजीएल दिया था, अभी हम लोग इसको घुमा देंगे, जिधर वीजीएच दिया था उधर वीजीएल देना है, जिधर वीजीएल था उधर वीजीएच देना है। तो यहाँ से वीजीएल तो मैंने पॉइंट निकाला, और वीडियो लेकर फ्रेंड्स, अभी इसको हमने कर दिए, अभी हमें चालू करने जा रहे हैं, देखते हैं अभी क्या करने जा रहे हैं। पावर दिया हमने, देखिए फ्रेंड्स ये टेस्ट
प्रॉपर बन गया। इसमें ना अर्थिंग लाइंस आया है ना कुछ भी, कोई लाइंस नहीं है, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर बन गया है, कोई लाइंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ये सब पूरा टेस्टिंग होने के बाद ही आपको वीडियो आपको मिल रहा है। पूरा जब टेस्टिंग मैंने कर लिया है, पूरा फुल प्रैक्टिकल कर लिया है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे इस चैनल पे आते रहेंगे वीडियो, प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मेरे पास अभी फ्रेश चैनल नहीं थे, तो मैं सीखे की शॉटिंग एल जी में डीओई पांडा एवो पैनल ऐसे में कैसे निकालते हैं, सैमसंग पैनल सीखे की शॉट कैसे रिमूव किया जाता है शॉर्ट क्लियर के थ्रू, मैं उसको पूरा लाइव प्रैक्टिकल आपको बताऊँगा कैसे किया जाता है। जितने भी टेक्नीशियन भाई लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है अच्छे से सीखने के लिए। सही तरीके से आप सीख जाएंगे, खुद से आप ध्यान से कीजिएगा, सही तरीके से सीख कर लीजिएगा। मैं भी 2-3 दिन से इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा ओवरलोड काम का ओवरलोड चल रहा था इसके कारण, तो मैंने सोचा आज थोड़ा एक वीडियो डालूँ। मेरे पास एक कंडीशन का पैनल आया था, मैं सोचा टेक्नीशियन भाई को मदद हो जाएगा, कुछ नया फॉल्ट सीखने को मिलेगा, कैसे पैनल को रिपेयर किया जाता है। दोनों साइड हम लोग ने देखा करके किधर से भी चलने वाला नहीं था, फिर भी हम लोग ने इसमें अपने मेथड से अपने ट्रिक अप्लाई किए नए तरीके से, और हम लोग ने खुद से डेवलप करके ट्रिक को किया, और अभी ये पैनल ओके हो गया, कोई लाइंस कोई अर्थिंग लाइंस कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।